आप पीछे झुके, आपके कोनियों से आपके हाथ बिल्कुल सीधे रखें और आप सामने देखें। आपके पैरों में डिस्टेंस शोल्डर डिस्टेंस ही होना चाहिए। संयुक्ता सामने देख के एक बार एक्सरसाइज करेंगे प्लीज। ओके, और एक बात मुझे बतानी है कि जब आप ये एक्सरसाइज करो तो आपके हाथ साइड से नहीं गुजरने चाहिए। तो साइड से कैसे गुजर सकते हैं हाथ? यस, हमें इस तरीके से साइड में नहीं लेके जाना है। हमें क्या करना है, हमें अपने हाथ कान के बिल्कुल नजदीक रखने हैं। ओके, और बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, देखिए बेंड है नहीं, बिल्कुल स्ट्रेच्ड आर्म्स के साथ आपको ये एक्सरसाइज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज विथ म्यूजिक। Gymnast ready and you. Very good, very good, very good. Now, the next exercise is arm rotation. आपको आर्म रोटेशन करना है। किस तरीके से करेंगे आर्म रोटेशन? जैसे अभी आपके हाथ है उसी तरीके से आप हाथ रखेंगे, लेकिन हाथ को गोल घुमाएंगे। ठीक है, वन पहले पीछे, टू एट काउंट्स आप पीछे घुमाएंगे आपके हाथ, और एट काउंट्स आपके हाथ आगे घूमेंगे। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम डायमीटर को कवर करें, ना कि बस छोटा छोटा सर्कल। सही तो कहने शायद छोटा छोटा सर्कल, एकदम छोटा। यस यस यस, ये छोटा सर्कल हुआ, आपको बड़ा सर्कल करना है। किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल बड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज विथ म्यूजिक। इसके बाद चेस्ट स्ट्रेच करेंगे। अब चेस्ट स्ट्रेच में आपकी पोजीशन किस तरीके से होनी चाहिए? आपके पैरों में डिस्टेंस शोल्डर डिस्टेंस, आपके हाथ बेंड होके आपके चेस्ट के सामने आएंगे। आपकी जो कोनिया है द एल्बोज, ठीक है, वो आपके शोल्डर लेवल पे ही होंगे, उसके नीचे ड्रॉप नहीं होगा। सही तो ड्रॉप, यस, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। हम किस तरीके से करेंगे? अपनी कोनिया ऊपर रखेंगे एक लेवल पे, यस, और उसके बाद हम अपनी कोनियों को पीछे लेके जाएंगे, दो बार स्ट्रेच करेंगे, वन एंड टू, एंड स्ट्रेच, हाथ ओपन करेंगे और फिर पीछे, थ्री एंड फोर। अब जब आप हाथ स्ट्रेच करके पीछे लेके जा रहे हैं, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि हाँ, आपके हाथ नीचे ना गिरे। कितना नीचे गिरा के दिखाइए हाथ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपके हाथ बिल्कुल सीधे शोल्डर लेवल पे पीछे जाएंगे, यस, ओके। So let's do this exercise with the music. Two counts with elbow bent and two counts with stretched hand. Ready? Music. One, two, three, four, five, seven, eight. One. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने देखा बहुत बच्चे बहुत सही तरीके से कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। वेरी गुड जिमनास्ट। ओके, इसके बाद आता है हिप रोटेशन। ठीक है, अब जैसे हमारा नेक हो गया, हमारे शोल्डर्स हो गए, उसके बाद हम आएंगे हमारे हिप वेस्ट रोटेशन पे। ठीक है, तो वेस्ट रोटेशन जब हम करते हैं तब आपके हाथ आपके वेस्ट पे होंगे। और किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं हम अपने वेस्ट को? संयुक्ता कैन यू शो? यस, वन
1, 2, 3 and 4 और उसके बाद हम रिवर्स साइड से भी करेंगे 5, 6, 7 and 8। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो घुटने हैं, आपके जो नीज है वो बिल्कुल भी बेंड ना हो। ठीक है, आपके नीज तो एक तब बेंड करके दिखाइए अपने नीज और एक्सरसाइज करिए बेंड नीज के साथ। ये गलत पोजीशन है, ठीक है बच्चों? यू हैव टू कीप योर नीज स्ट्रेट, आपके पैर बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। हाथ कमर पे रखिए एंड लेट्स डू दिस एक्सरसाइज विद म्यूजिक। 8 counts फ्रॉम द राइट साइड एंड 8 counts फ्रॉम द लेफ्ट साइड। म्यूजिक One, 2, 4, 5, 6, 7 and 8. Very good, very good, very good. And stop. Okay, so now our next exercise is side bending. Side bending के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक हाथ ऊपर लेना है कान के पास, बिल्कुल stretched होगा, ठीक है? कान के बिल्कुल नजदीक, yes. और फिर हमें side में bend करना है। कौन से side पे bend करेंगे? जो हाथ आपका कमर पे है, उस side पे bend करेंगे हम। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना है जब आप साइड बेंड कर रहे हो तो साइड में ही होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बेंड करके दिखाइए थोड़ा सा। ये हो गया आगे बेंड, साइड मतलब बिल्कुल साइड में। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? आगे बेंड किस तरीके से हो सकता है और साइड में किस तरीके से हमें बेंड करना है। गुड, वेरी गुड। So we will do this exercise with the music. Come on. Keep your one hand up. फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त आपको आपके हाथ कमर पे रख के आपके घुटने सीधे रख के आगे बेंड होना है 3 बार 1, 2, 3 and up। फोर्थ काउंट को अप, अप 5, 6, 7। पीछे भी 3 counts बेंड होना है 5, 6, 7 and 8 को आपको ऊपर रहना है। जब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड कर रहे होंगे तब आपके घुटने, क्योंकि हम नोटिस कर रहे हैं कि घुटनों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है? सहिता बेंड नीज के साथ आप करके दिखाइए ये एक बार एक्सरसाइज। आप देख रहे हैं इसके घुटने बेंड हो रहे हैं, तो ये गलत एक्सरसाइज हो जाएगा। आपको आपके घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं और फिर आगे झुकना है और पीछे झुकना है। Okay, so with the music, let's start this exercise. किस तरीके से होगा? आप अपने पैरों का डिस्टेंस अभी बढ़ाएंगे, शोल्डर डिस्टेंस से ज्यादा होगा, हाथ आपके बिल्कुल शोल्डर लेवल पे होंगे, यस, नीचे नहीं होंगे, बिल्कुल शोल्डर लेवल पे। सो नीचे करके दिखाइए आप एक बार हाथ, और एक बार ऊपर करके दिखाई,
संयुक्ता नहीं नहीं सिर्फ पोजीशन दिखाइए मुझे। एक बार हाथ ऊपर करके दिखाइए, नीचे और ऊपर, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, ठीक है। इस तरीके से नहीं होगा, आपका पोजीशन हाथों का बिल्कुल साइड में शोल्डर लाइन पे आएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके जो राइट हैंड है वो लेफ्ट लेग को टच करेंगे, राइट हैंड टू द लेफ्ट टो, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा, आपकी नजरें स्काई की तरफ होंगी, ठीक है। फिर आप एंड देन सेकेंड हैंड, द लेफ्ट हैंड विल गो टू द राइट लेग, राइट हैंड विल स्टे अप एंड यू विल लुक एट योर राइट हैंड और टू द स्काई एंड देन अप, ठीक है। ये एक्सरसाइज करते वक्त भी आपको आपके घुटनों पे ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। घुटने बेंड नहीं होने चाहिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज विद करेक्ट पोजीशन एंड विद द म्यूजिक। हिप्स पे, ठीक है। हिप्स को भी ओपन करना बहुत जरूरी है, ओके? तो किस तरीके से आप अपने हिप जॉइंट को ओपन करेंगे हम देखते हैं। आपके हाथ आपके कमर पे रखेंगे आप, और अभी आपका जो पैर है वो उठाएंगे सामने से, टर्न करेंगे और साइड में रखेंगे। इसके बाद दूसरा पैर उठाएंगे और टर्न करके साइड में रखेंगे, ठीक है। एक बार करके दिखाइए संयुक्ता, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर। अब जैसे आप पीछे जा रहे हैं वैसे ही आपको आगे की तरफ भी करना है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, पहले हम साइड में उठाएंगे और फिर आगे रखेंगे, ठीक है। Yes. तो हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं विद म्यूजिक। आपके पैर आप जॉइन रखें, ओके। अब इसके बाद हम आएंगे साइड लंजिंग पे। अब साइड लंजिंग एक्सरसाइज किस तरीके से आप करेंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो अपने सामने कोई कुर्सी या कोई स्टूल या विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स आप कर सकते हैं। आप अपने हाथों को कुर्सी पे रखेंगे, आपका जो पैर का डिस्टेंस होगा वो शोल्डर लेवल से ज्यादा होगा। स्प्रेड योर लेग्स, शोल्डर लेवल, शोल्डर डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस आपको लेना है, ठीक है। अब आपको एक साइड के पैर पे बैठना है, लेकिन ध्यान में रखें कि दूसरा पैर बिल्कुल सीधा हो। क्या संयुक्त का दूसरा पैर बेंट है, यानी शो बेंट लेग। यस, इस तरीके से जब आप बेंड करेंगे तो ये गलत एक्सरसाइज होगा। आपको आपका पैर बिल्कुल सीधा रखना है एक, और एक पैर बेंड रखना है। उसके बाद आप उठेंगे वापस बहुत सीधे पैर से और दूसरी तरफ बैठ जाएंगे एंड अप। आपकी बॉडी की पोजीशन, आपकी जो बैक है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, ना पीछे झुकेगी ना आगे झुकेगी, ठीक है।
बिल्कुल सीधी रखेंगे आप अपनी बैक को, सामने देखेंगे और ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विथ म्यूजिक. One, two, three, four, five, six, seven, eight, one. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बहुत बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से किया, बहुत स्ट्रेट लेग से किया, स्ट्रेट बॉडी से किया. सो जिमनास्ट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वेरी गुड. इसके बाद हम करेंगे रिस्ट रोटेशन एंड एंकल रोटेशन. अब रिस्ट रोटेशन किस तरीके से हो सकता है, तो एक तो अपने हाथ आगे बढ़ाइए प्लीज, आगे, यस, आपकी मुट्ठियां बंद कर दीजिए, वेरी गुड. अब रोटेट करना स्टार्ट करिए क्लॉकवाइज, आउटर आउटर वर्ड्स पहले, यस, आउटर वर्ड्स, वन टू थ्री एंड फोर, और उसके बाद रिवर्स कर दीजिए, वन टू थ्री फोर, ठीक है. ये एक्सरसाइज करते वक्त भी सिर्फ आपकी रिस्ट मूवमेंट होगी, पूरे हाथों की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ तो पूरे हाथ गोल घुमा के ऐसे नहीं करेंगे आप, ठीक है. आप अपने हाथ एक जगह पर रखेंगे, बिल्कुल एक जगह पर, और फिर सिर्फ आपकी रिस्ट मूव होगी. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज विथ म्यूजिक. तानी म्यूजिक. वेरी गुड. इसके बाद एंकल रोटेशन करेंगे. संयुक्त शो एंकल रोटेशन, आपका जो पैर है वो रोटेट होगा पहले एक साइड से, आउटर साइड से, और फिर उसके बाद हम रिवर्स करेंगे और रोटेट करेंगे इनसाइड. और सेम वे हम अपना दूसरे पैर के साथ भी करेंगे, पहले आउटर रोटेट होगा और फिर इनसाइड, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ म्यूजिक. We will move forward for our cardiovascular warming up exercise. ये क्या होते हैं? किसी को पता है? आप अपने जो exercise अभी इस अभी तक आपने जितने exercise किए वो आपके body को warm करने के लिए किया है. अब आप अपनी धड़कनों को check भी करिए, ठीक है? इस exercise के बाद अपनी आपकी धड़कनें जो है वो बहुत high rate पे beat करेंगे. आपके जो लंग्स की पावर है वो इससे बढ़ती है, ओके? आपका हार्ट स्ट्रेंथन होता है, आपके लंग्स स्ट्रेंथन होते हैं. तो लेट्स सी आवर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज विथ जंपिंग जैक्स, ओके? दिस इज वन ऑफ द बेसिक काइंड ऑफ एक्सरसाइज. अब इसमें हम क्या करेंगे, आपके हाथ आपके पैरों के बाजू में होंगे, आप जंप करेंगे और आपके पैर स्प्रेड होंगे और हाथ भी साइड में जाएंगे. उसके बाद सेकंड काउंट पे आप वापस अपने हाथों को और पैरों को जोड़ देंगे, थर्ड काउंट पे वापस स्प्रेड, फोर्थ पे जॉइन. सो लेट्स सी दिस एक्सरसाइज इन अ कंटिन्यूअस मोशन. संयुक्ता, रेडी एंड बिगिन. ई वन, ई टू, ई थ्री, ई फोर, ओके?
इसके बाद सेकंड वेरिएशन ऐसे होगा कि काउंट नंबर वन को आप हाथ साइड में करेंगे, काउंट टू को हाथ आप वापस जोड़ेंगे और काउंट थ्री पे आप अपने हाथ आगे करेंगे और पैर साइड में, और फोर को वापस जोड़ देंगे. सो लेट सी दिस. देखता है इन फास्ट मोशन 5 6 7 को 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ओके एंड द थर्ड वेरिएशन, फर्स्ट इज हाथ साइड में करेंगे, सेकेंड काउंट को जोड़ देंगे, थर्ड काउंट को आप एक ताली बजाएंगे अपने हाथों से ऊपर की तरफ और फोर्थ काउंट को वापस जोड़ देंगे. ओके सो लेट्स सी दिस एक्सरसाइज इन इन अ फास्ट मोशन. संयुक्ता रेडी एंड स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये सारे एक्सरसाइज हम करेंगे म्यूजिक पे, ठीक है? Ready? Music. Very good. अपने हार्ट पे हाथ रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए. क्या आपको लग रहा है कि आपके धड़कने तेज हो गई है, हुई है या नहीं? हुई है. Very good. So this is how the exercises should be performed. ठीक है, अब आपकी बॉडी बिल्कुल वार्म हो गई है. अब जो आपके स्पेसिफिक स्किल्स है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ वार्म अप करेंगे और वार्म अप के बाद हम कूल डाउन करेंगे. संयुक्ता, कैन यू जस्ट कीप वॉकिंग फॉर सम टाइम? बच्चों, आपको एकदम डायरेक्टली नहीं रुकना है कूल डाउन एक्सरसाइज के लिए, ठीक है? आपको डायरेक्टली आपकी धड़कनें बहुत नीचे की तरफ रेट नहीं आना चाहिए. यू हैव टू ब्रिंग द रेट ऑफ योर हार्ट स्लोली एंड स्लोली डाउन. सो कीप वॉकिंग एंड आई विल एक्सप्लेन यू. जब आप चल रहे हो तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कूल डाउन क्यों जरूरी है. इंटेंस एक्सरसाइज करने के बाद जब आपका जो हार्ट रेट होता है वो बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? और आपके बॉडी में बहुत सारे लैक्टिक एसिड्स बिल्डअप हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं क्लियर करने के लिए. उसकी वजह से क्या होता है कि आपके मसल सोर हो जाते हैं, आपके बॉडी में पेन होने लगता है. जब आप उठते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं और फिर एक्सरसाइज होल हार्टेडली नहीं कर पाएंगे. तो इस वजह से हम हमारे सेशन से पहले वार्म अप करते हैं और सेशन के बिल्कुल एंड में हम अपना कूल डाउन भी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी पार्ट है. कूल डाउन एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका जो हार्ट रेट जो अभी बढ़ा है टोटली वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा. आपके जो लैक्टिक एसिड जो बिल्डअप हुए हैं वो रिलीज हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और आपकी जो बॉडी की रिकवरी है पोस्ट वर्कआउट वो हो जाएगी और आपको लगेगा आपकी बॉडी अभी बाउंस बैक करने के लिए तैयार है नेक्स्ट सेशन के लिए. तो इस वजह से हम अपना कूल डाउन करते हैं, ठीक है? तो अभी हमारा वॉकिंग हो गया है, अब हम कूल डाउन एक्सरसाइज पे जाएंगे. संयुक्ता, काइंडली शो हाउ टू स्ट्रेच योर रिस्ट फर्स्ट. आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की रिस्ट को पीछे की तरफ से, तो कैन यू शो अस अ साइड प्रोफाइल. आप अपने एक हाथ की रिस्ट को दूसरे हाथों से पीछे की तरफ प्रेस करेंगे. वेरी गुड. आपके एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए. यस. फिर दूसरे हाथ की रिस्ट को करेंगे सेम वे. वेरी गुड. उसके बाद ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे अपने हाथ को. यस, गुड. फिर दूसरे हाथ को. गुड.
उसके बाद हम अंदर की तरफ करेंगे। और फिर बाहर की तरफ सेम वे, दूसरे हाथ से भी। वेरी गुड। इसके बाद हम शोल्डर्स पे आएंगे, शोल्डर स्ट्रेच। सहिता, एक हाथ ऊपर लेंगे और लेफ्ट हैंड से आप अपने एक हाथ को साइड में प्रेस करेंगे। कैन यू शो? यस, पीछे की तरफ लेके जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरे हाथ से भी। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, और अब हम अपने ट्राइसेप्स स्ट्रेच करेंगे। आपको कैसे करना है ट्राइसेप्स स्ट्रेच? एक हाथ ऊपर, एक हाथ बेंड करना है एल्बो से और दूसरे हाथ को एल्बो पे पकड़ना है और फिर अपना एल्बो खींचना है थोड़ा थोड़ा सा। यस यस, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। वेरी गुड। अब दूसरे हाथ से भी आप करेंगे सेम वे। बेंड योर एल्बो, कैच विथ योर अदर हैंड एंड स्ट्रेच। वेरी गुड एंड अप। वेरी गुड। इसके बाद हम थोड़ा आगे झुकेंगे। कैन यू बेंड फॉरवर्ड प्लीज? एकदम रिलैक्स 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 रिलैक्स। यस, एंड ब्रीथ करिए, आप ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। यस, फिर हम अपने पैरों पे बैठ जाएंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। संयुक्ता, बेंड फॉरवर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने बोला उसको। एंड देन अप। अभी हम अपने अभी हम सो जाएंगे आगे की तरफ सेक्टर और अपना एक पैर बेंड करेंगे, राइट पैर बेंड करेंगे अब और हाथों से पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे। एंड डाउन। फिर दूसरा पैर। यहाँ पर हम हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल जो है, हमारे थाइस के मसल जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं। एंड डाउन। और इसके बाद हम हमारी पीठ के ऊपर सो जाएंगे। आपके पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, आपके जो हाथ है वो आपके शरीर के थोड़े बाजू में रहेंगे और आपकी जो गर्दन है वो लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे। आंखें बंद करेंगे और सो जाएंगे। सोते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इनहेल करें और एक्सहेल करें, ठीक है? अपनी जो एयर है वो आपको अंदर लेनी है अपने नाक से और बाहर फेंकनी है अपने मुंह से। ट्राई टू फील द एयर। जब आप अंदर ले रहे हैं तब फील करें, आपका जो स्टमक है वो ऊपर आएगा और जब हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे एयर को तब आपका स्टमक नीचे हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को फील करें, रिलैक्स करें, अपनी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स करें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। अब हम अपनी आंखें खोलेंगे आहिस्ते आहिस्ते, स्लोली, वेरी स्लोली। फिर हम लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड पे टर्न होंगे और आहिस्ते आहिस्ते उठेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो वी हैव फिनिश्ड विद आवर कूल डाउन सेशंस आल्सो।
gymnast. We did 8 counts to 16 counts of our warm-up. हमने हमारे वार्म-अप में 8 to 16 counts किए. इसीलिए किए क्योंकि जब आप अपने 16 counts करते हैं या 8 counts करते हैं तो आप अपने muscles को warm करते हैं. अगर repetition कम होगा अपने muscles का, अगर counts कम होंगे तो आपके muscles उतने warm नहीं होंगे. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके मसल्स वार्म होने के लिए आपको 8 टू 16 काउंट्स करने ही करने हैं. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो थर्सडे को होगा 8 AM को, और उसमें भी हम पहले वार्म अप करेंगे, लेकिन ये वार्म अप आज हमने ब्रेक ब्रेक में किया है. हम नेक्स्ट सेशन पे हमारा वार्म अप कंटिन्यूस करेंगे और उसके बाद सीखेंगे हमारा टो वर्क. रिदमिक जिमनास्टिक्स में टो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो किस तरीके से हम अपना पोस्चर तैयार करेंगे, किस तरीके से हम अपने टोज पे खड़े रहेंगे, कौन सी करेक्ट पोजीशन है टोज पे जाने के लिए, कौन सी रॉन्ग पोजीशन है, ये सारे जो टो वर्क के एक्सरसाइजेस है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे.